नमस्कार, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। और एक काफी बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो खाकी वर्दी का सपना संजोकर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर 40,000 युवाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ये बड़ी खबर है। 2023 कई सारी जो है अपॉर्चुनिटीज लेके सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी का जो ख्वाब संजोए बैठे हैं युवा, उनके लिए ये नया साल काफी खुशियों भरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न पदों पर 40,000 युवाओं में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके तहत उत्तर प्रदेश में सिविल पुलिस PAC, रेडियो शाखा, फायरमैन समेत तमाम जो पद हैं उन पर बम्पर भर्तियां की जाएंगी। अगर आप भी पुलिस के विभिन्न पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सच मानिए काफी ज्यादा सुनहरा मौका है। खबर के मुताबिक जो युवा पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोकर बैठे हुए हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में ये काफी बड़ा मौका है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न पदों पर 40,000 युवाओं की भर्ती शुरू होगी। इसके तहत सिविल पुलिस में 26,210 पदों पर, PSC में 8,540, रेडियो शाखा में 2,430, जेल वार्ड में 1,582 पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ फायरमैन में 1,007, सिविल पुलिस दरोगा में 829 और कंप्यूटर ऑपरेटर में 693 पदों में भर्ती होगी। वहीं दूसरी तरफ लिपिक और लेखा वर्ग में भी उप निरीक्षक और सहायक निरीक्षक के तौर पर जो है वो 1,157 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुने गए अभ्यर्थियों को जल्द ही उनके स्थानों पर पोस्टिंग भी दे दी जा सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर भर्ती को 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पूरा कर लेने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2023 के अंत तक इन सभी भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले 100 दिन के अभियान में के तहत जो 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर लिया गया था। ये बम्पर ऑफर जो है पुलिस की भर्ती में इस वक्त युवा जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं, पुरजोर तरीके से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बरसात होने वाली है उत्तर प्रदेश में इस बार नौकरियों की। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।